अब फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं वर्किंग रूल फॉर टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम गॉस जॉर्डन मेथड भी कहते हैं। यानी वर्किंग रूल जिसके हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं, किस तरह से निकालते हैं, इसको गॉस जॉर्डन मेथड भी कहते हैं। तो उसको निकालने के लिए राइट द गिवन मैट्रिक्स ए एन को हम लिखते हैं आई एन ए एन, यानी ए मैट्रिक्स जो है उसमें हम आई एन मैट्रिक्स डॉट ए एन, यानी ए जो है आई जो है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ए एन को हम सिंपली ए मैट्रिक्स को इस यहाँ तो इस मैट्रिक्स को हम पूरा लिखते हैं, ए मैट्रिक्स को हम पूरा नहीं लिखते हैं, से ओनली ए एन सिंबल में शो करते हैं हम। ये हो गया हमारे पास वेयर आई एन इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन विच इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी जो आई एन का जो ऑर्डर होगा वो उतना ही होगा जितना ए का ऑर्डर है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स पे हम क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं इनवर्स मैट्रिक्स ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे हम ए एन आई एन सभी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। उसके बाद हमारे पास सेकंड है परफॉर्म एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए एंड रिड्यूस इट टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी हमने क्या करना है ए जो मैट्रिक्स है इस पर हमें रो के जो करस्पॉन्डिंग चेंज करने हैं, यानी रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने हैं, उस रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद लगाकर हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करते हैं। जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस लेफ्ट में चेंज करते हैं जो रो ऑपरेशन हम यहाँ लगाएंगे वही रो ऑपरेशन इस आई एन में लगाना है, यानी जो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए जो ऑपरेशन हम यहाँ लगा रहे हैं ए एन में वही इस आई एन में लगाना है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है, अप्लाई द सेम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने उसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाए थे ऑन आई ऑफ द राइट हैंड साइड सो दैट आई इज रिड्यूस टू बी। तो इस तरह से जब हम ट्रांसफॉर्मेशन चेंज करेंगे तो आई जो है वो बी में, यानी कोई अलग मैट्रिक्स बन जाएगा। द ट्रांसफॉर्मेशन इज रिड्यूस टू इक्वेशन फर्स्ट आई इस फॉर्म में जो ये क्वेश्चन थी हमारे पास ए ए आई ए बराबर आई एन ए, जब ए को हमने रो ऑपरेशन की हेल्प से आई में चेंज कर दिया तो आई में चेंज करने के बाद ये हमारे पास बन जाएगा आई एन बराबर बी ए, एक मैट्रिक्स जो बी है आई एन जो है एक बी में मैट्रिक्स हो जाएगा, जो बी मैट्रिक्स जो निकल के आएगा वो मैट्रिक्स हमारे पास इनवर्स मैट्रिक्स कहलाता है एंड बी इज डिनोटेड टू इनवर्स ऑफ ए। अब इसको हम एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। फ्रेंड्स इसको हम यहाँ पे नहीं समझ रहे हैं, नेक्स्ट वीडियोज में हम रो ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से निकाल के भी हम आपको दिखाएंगे।